एक हॉस्पिटल को दिखाते हुए मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम एक डॉक्टर और एक नर्स को देखते हैं। उस नर्स का नाम एना होता है और डॉक्टर उसे एक ऐसे पेशेंट के बारे में पूछता है जिसके हाथ पर किसी ने बाइट कर ली थी। एना उस पेशेंट का पता करवाने रिसेप्शन पर जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो पेशेंट अब आईसीयू में एडमिट। तब इस बात से एना काफी हैरान होती है कि सिर्फ एक काटने से वो आईसीयू में है। एना की शिफ्ट खत्म हो गई थी और वो वहाँ से चली जाती और अपने घर के लिए निकल पड़ती। कार में बैठकर वो कार का रेडियो ऑन कर लेती है और रेडियो पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज चल रही थी जिसे वो इग्नोर करके सॉन्ग लगा लेती है। घर पहुंचकर एना देखती है कि उसका हस्बैंड बेड पर लेटा हुआ टीवी देख रहा है और जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रहे होते हैं तब टीवी पर इमरजेंसी न्यूज स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उन लोगों की उस तरफ तवज्जो नहीं जाती। नेक्स्ट मॉर्निंग उनके रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। तब एना का हस्बैंड उठकर देखता है, वो देखता है कि वहाँ पर उनके नेबरहुड की एक बच्ची खड़ी हुई जो कि इंजर्ड है और जब वो बच्ची थोड़ा आगे आती है तब वो देखता है कि उसकी हालत काफी खराब है और वो फौरन उसकी तरफ भागता है और वो एना को एम्बुलेंस बुलाने को कहता है, लेकिन तभी वो बच्ची उस पर झपट कर उसकी गर्दन पर काट लेती है और उसकी मांस को स्किन से अलग कर देती है। एना जल्दी से उस बच्ची को हटाकर बाहर की तरफ फेंक देती है, लेकिन वो बच्ची फिर से उठकर तेजी से उसकी तरफ आने लगती है और एना जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और वो देखती है कि उसके हस्बैंड का बहुत ज्यादा खून बह चुका है और वो उसे बचाने की उसका खून रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो पाता और वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देती है, लेकिन आगे से सारी लाइंस बिजी होती है। वो बार बार ट्राई करती है लेकिन स्टिल लाइंस बिजी आ रही थी। तभी एना का हस्बैंड एक नॉर्मल इंसान की तरह उठकर खड़ा हो जाता है जैसे कि उसे कुछ भी ना हुआ और जैसे ही एना उसका नाम लेकर उसे बुलाती है वो उस पर अटैक कर देता और अब वो काफी तेज काफी खतरनाक हो चुका था। उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो गया था। एना किसी तरह खुद को उससे बचाकर वॉशरूम में खुद को लॉक कर लेती है और वो बाथरूम की विंडो को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खिड़की उससे नहीं खुलती। तभी बाहर से आवाजें आना बंद हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एना समझती है कि शायद उसका हस्बैंड चला गया और वो दरवाजे के पास जाकर उसे आवाज लगाती है। बस ऐसा करना ही था कि उसका हस्बैंड दरवाजे को तोड़ने लगता है और अंदर घुसने लगता है। तब एना दोबारा से खिड़की को ओपन करने की कोशिश करती है और इस बार वो खिड़की खुल जाती है। एना जल्दी से खिड़की से कूदने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। तब बदले में एना उसे हिट करके बाहर कूद कर अपनी जान बचा लेती है। बाहर निकल कर वो अपने एक नेबर से हेल्प मांगती है, लेकिन बजाय उसकी मदद करने की वो उस पर ही गन पॉइंट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो एना की तरफ बढ़ने लगता है एक एम्बुलेंस उसे उड़ाते हुए ले जाती है। एना अपने टाउन की कंडीशन देखती है कि वहाँ पर कितना बुरा हाल हो गया है। लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रही है, जगह जगह पर आग लगी हुई है, लेकिन ये सिर्फ उसकी नेबरहुड में नहीं था बल्कि पूरा शहर ही इस लपेट में आया हुआ था। तभी अचानक से एना का हस्बैंड बाहर आ जाता है और वो फौरन कार में बैठकर कार को अंदर से लॉक कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी जान नहीं छोड़ता। वो कार पर चढ़ के उसका शीशा तोड़ने लगता है और एना जल्दी से कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है और तब हमें पूरे शहर का मंजर दिखाया जाता है कि पूरे शहर में तबाही मच रही, पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो गया। एना जो कुछ देख रही थी उसे उस पर समझ नहीं आ रहा था, करने की कोशिश करता और एना जल्दी से रेस को प्रेस कर देती है और उसकी गाड़ी मेन रोड से उतर कर क्रैश हो जाती है और एक ट्री में जाकर लगती है जिससे एना बेहोश हो जाती है। जब एना को होश आती है तो वो कार से बाहर आती है। कार से बाहर आकर एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कैनेट होता है वो उसे गन पॉइंट कर देता है और उसे कुछ बोलने के लिए कहता ताकि उसे ये पता चल सके कि वो इंसान है या ज़ॉम्बी, क्योंकि ज़ॉम्बी बोलते नहीं है। जिस पर एना प्लीज कहकर इस बात का सबूत देती है कि वो एक इंसान। और जब पुलिस ऑफिसर को इस बात का यकीन आ जाता है कि वो एक इंसान है वो आगे बढ़ जाता है और एना भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है कि ऑब्वियसली वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ सिक्योर रहेगी। अभी वो थोड़ी दूरी पर ही पहुंचते हैं कि सामने से उन पर कोई गोली चला देता है और वहां पर तीन लोग होते हैं जिनमें एक लड़के का नाम होता है माइकल, दूसरे का होता है एंड्रयू और उनके साथ उसकी वाइफ भी होती है। उन वाइफ में एक लड़का एंड्रयू ने कहता है कि उन लोगों ने उन्हें ज़ॉम्बी समझकर उन पर गोली चलाई। तब वो पुलिस ऑफिसर कैनेट आगे बढ़ता है क्योंकि उसे ये जगह जिसका नाम फोर्ट पेस्टर होता है वहाँ पर जाना था क्योंकि उसका भाई भी वहीं पर था, लेकिन वो लोग उसे वहाँ जाने के लिए मना कर देते हैं ये कहते हुए कि उन लोगों ने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में वो लोग 8 से 3 रह गए। वो बताते हैं कि अब वो मॉल जा रहे हैं। तब कैनेट और एना
भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और वो भी उनके साथ मॉल जाते हैं। पूरा मॉल लॉक था, इसलिए वो पिछले दरवाजे का लॉक तोड़ने लगते हैं और इसी दौरान कुछ ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और तेजी से उनकी तरफ आने लगते हैं। तब केनेथ और एंड्रयू उन ज़ॉम्बीज को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक डोर ओपन नहीं होता और उसका लॉक नहीं टूटता। केनेथ उस लॉक को शूट करके उसे तोड़ देता है और वो सब अंदर आकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अंदर आने के बाद वो पूरे फ्लोर को चेक करते हैं। माइकल को एक स्टोर रूम से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो डोर ओपन करता है तब वो देखता है कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है किसी को खा रहा है। और जब वो ज़ॉम्बी गार्ड माइकल को देखता है तब वो उस पर अटैक कर देता है और उसका शोर बाकी लोग भी सुन लेते हैं। तभी पीछे से आकर एक ज़ॉम्बी एंड्री की वाइफ को पकड़ लेता है और केनेथ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में उसे खुद भी चोट लग जाती है। अंदर माइकल किसी तरह उस ज़ॉम्बी को मार के अपनी जान बचा लेता है और दूसरी तरफ एना उस ज़ॉम्बी पर शॉटगन चला देती है जो उसके सर पर लगकर गुजर जाती है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी तड़पने लगता है। सही मौका मिलने पर वो सब लिफ्ट की तरफ भागते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स और भी थे जिन्होंने उस फ्लोर पर अपना कब्जा किया हुआ था और वो उन लोगों को वापस नीचे वाले फ्लोर पर जाने का कहते हैं। लेकिन नीचे वाला फ्लोर उन लोगों के लिए सिक्योर नहीं था, इसीलिए वो हरगिज वहां जाना नहीं चाहते थे। इवेंचुअली वो गार्ड्स उन लोगों को उस फ्लोर पर अपने साथ रखने के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें प्रिजनर्स बनाकर, और वो उनसे उनकी गन्स भी छीन लेते हैं। अंदर जाकर एना केनेथ के जख्म की पट्टी करती है और एंड्री देखता है कि उसकी वाइफ को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया, लेकिन वो इस बात को हाइड रखता है और किसी से शेयर नहीं करता। वो लोग टीवी देखते हैं और उन्हें न्यूज पर उन ज़ॉम्बीज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये ज़ॉम्बी सिर्फ सर में गोली मारने से ही मरते हैं। और मिलिट्री ऑफिसर बताता है कि फोर्ट पेस्टर जहाँ पर केनेथ ने जाना था ये वही प्लेस थी और वो अभी तक सेफ है। अगर कोई सर्वाइवर यहाँ आना चाहता है तो वो यहाँ आ सकता है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज से लड़ सके और वो ज़ॉम्बीज जो पानी में तड़प रहा होता है वो उस पर वो बात आजमाते हैं कि उन्हें सर पर मारने से ही वो मरते हैं और वो ज़ॉम्बी को शूट कर देते हैं। और बाकी लोग छत पर सिग्नल यानी SOS लिखते हैं ताकि हेलीकॉप्टर यहाँ पर आए और उनकी हेल्प कर सके। मॉल के सामने वाले फ्लोर पर एक सर्वाइवर होता है जो वहाँ पर अकेला था। फिर हम देखते हैं कि मॉल के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज जमा हो रहे हैं। रात को सिक्योरिटी गार्ड CJ उन सब लोगों को एक कंपार्टमेंट में बंद कर देता है ताकि वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग एक सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी रूम में जाता है तब वो CCTV फुटेज में देखता है कि एक ट्रक उस मॉल यानी उनकी तरफ तेजी से आ रहा है और सब लोग उस ट्रक में बैठे हुए सर्वाइवर्स को बचाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड CJ जिसे सिर्फ अपनी जान प्यारी थी और वो उन्हें बचाना नहीं चाहता था, तब दूसरा सिक्योरिटी गार्ड उसके इस बात पर एग्री नहीं करता तो वो उसे भी मारने की धमकी देता। इसी बहस के दौरान मौका मिलते ही वो सब उनसे उनके हथियार छीन कर अब उन्हें प्रिजनर्स बना लेते हैं और फिर वो ट्रक वाले लोगों को बचाने जाते हैं और उन लोगों को पिछले डोर पर आने का सिग्नल देते हैं। ड्राइवर ट्रक को बैक करके दरवाजे पर ट्रक लगा देता है। तब माइकल और एंड्री उन्हें बचाने के लिए बाहर आते हैं और एक कपल पहले ही ट्रक पर चढ़कर खुद को सेव कर लेता है, लेकिन वो कहते हैं कि ट्रक के अंदर भी 6 लोग हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो दोनों उनका मुकाबला करते हैं, उन्हें मारते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज तादाद में बहुत ज्यादा थे तो वो जल्दी से भागकर दरवाजे को लॉक कर लेते और वो लोग उन ट्रक में बैठे सारे सर्वाइवर्स को बचा लेते हैं और वो टोटल 8 लोग। अब क्योंकि उनके पास ट्रक भी था तो केनेथ फोर्ट पेस्टर के लिए जाने लगता है। इस पर एक सर्वाइवर उसे ये कहकर मना कर देता है कि फोर्ट पेस्टर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया, अब वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा, लेकिन केनेथ उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। तब माइकल उसे ये कहकर रोक लेता है उन लोगों को उसके यहाँ पर जरूरत। तब केनेथ अपसेट होकर छत पर जाता है जहाँ पर सामने फ्लोर वाला सर्वाइवर उससे इन्फॉर्मेशन मांगता है। तब केनेथ उसे बताता है कि फोर्ट पेस्टर खत्म हो गया है और अब कोई भी मदद नहीं आएगी। दूसरी तरफ एना उन सर्वाइवर्स में से एक औरत का चेकअप कर रही है, हालांकि उस औरत को बुखार नहीं था, लेकिन एना को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है क्योंकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही और उसे किसी ने काटा हुआ था। एना दूसरे मेल सर्वाइवर का भी चेकअप करती है और उसे भी किसी ने काटा हुआ था और तभी उस औरत की हालत खराब होने लगती और वो मर जाती है। अभी वो सब लोग सिचुएशन को समझ ही नहीं पाए थे कि वो दोबारा से उठ जाती है, एना की तरह झपटने लगती है। एना एक सरिया उसकी आंख में घुसा कर उसे मार डालती है। फिर वो सब लोग आपस में डिस्कशन करने लगते हैं और एना उन्हें बताती है कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस है जो काटने से फैलता है और वो उस मेल सर्वाइवर के बारे में बताती है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ और वो भी अनकरीब ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सुनकर एंड्री काफी हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ को भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था और वो चुपके से उसके पास चला जाता है। तब माइकल कहता है कि हमें उस मेल सर्वाइवर को मार डालना चाहिए।
वरना उनमें से भी कोई नहीं बचे, और वो गन लेकर उसे मारने के लिए जाता है। एना जाकर उस आदमी को बताती है कि माइकल उसे मारने आ रहा है, लेकिन वो उसकी बात को मजाक ही समझता। माइकल आकर उसे कहता है कि वो सबके लिए खतरा है, उसे मरना होगा क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। ये बात सुनकर वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। आंड्रे अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, बल्कि ये कहता है कि उसका जख्म अब ठीक हो रहा। निकोल अपने फादर को गुड बाय कहती है। केनेथ उस पर नजर रख रहा था क्योंकि वो उसके ज़ॉम्बी बनने का वेट कर रहा था, और जैसे ही निकोल का बाप ज़ॉम्बी बनता है वो मौका देखते ही उसे शूट कर देता। अब वो सब लोग खुशी खुशी वहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। आंड्रे ने अपनी वाइफ से किसी को भी मिलने नहीं दिया, और केनेथ और सामने वाले सर्वाइवर के बीच भी वर्ड नोट के जरिए बातचीत होती रहती थी, और वो सब लोग काफी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ मॉल के बाहर ज़ॉम्बीज की तादाद में भी इजाफा हो रहा था। एक दिन वो सब बैठकर डिनर कर रहे होते और तभी लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तब केनेथ, माइकल, सीजे और सिक्योरिटी गार्ड बेसमेंट में जनरेटर के लिए जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, और अचानक से उनके सामने एक डॉग आ जाता है जिसे देख कर वो रिलैक्स हो जाते हैं। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी आकर सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेता है और उसे बाइट कर लेता है। उस गार्ड के चिल्लाने से बाकी ज़ॉम्बीज भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। उस सिक्योरिटी गार्ड को वो नहीं बचा पाते और सारे ज़ॉम्बीज उसे पकड़ के खा लेते हैं। वो लोग एक गेट के पीछे खुद को लॉक कर लेते हैं और उन ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं, लेकिन उनकी गोलियां भी खत्म हो रही थी। तब माइकल उन ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल छिड़क देता है और वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज जलने लगते हैं और यहाँ पर ज़ॉम्बीज से उनकी जान बच जाती है। आंड्रे की वाइफ की डिलीवरी का टाइम था और आंड्रे ने उसे चारों तरफ से बांधा हुआ था। उसकी वाइफ की आखिरी सांसें चल रही थी और देखते ही देखते वो मर जाती, और देखते ही देखते वो दोबारा से जिंदा हो जाती है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गई। अब क्योंकि वो जिंदा थी तो वो एक बच्ची को पैदा करती। तब आंड्रे उसका मुंह बंद कर देता है ताकि उसका शोर सुनकर कोई यहाँ ना आ जाए। तब एक सर्वाइवर लेडी उस रूम में आती है, और जब वो आंड्रे की वाइफ को देखती है तो वो अपनी पिस्टल निकालती। तब आंड्रे उसे कहता है कि वो क्या उसकी वाइफ को मारेगी, वो उसकी फैमिली से दूर रहे। लेकिन वो लेडी उसकी वाइफ को शूट कर दे, और बदले में आंड्रे उस लेडी को शूट कर देता है। मरते मरते वो लेडी आंड्रे पर भी गोली चला देती और वो भी मर जाती। शोर की आवाज सुनकर सब लोग वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि वो सब मर गए हैं, लेकिन वो बच्ची अभी जिंदा है। एना उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि वो बच्ची ज़ॉम्बी है, यानी वो इन्फेक्टेड ही पैदा हुई है, और एना उसे भी मार डालती है। ये देखकर वो सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि वो ज़ॉम्बीज के शिकार में आकर ऐसे हरगिज नहीं मरेंगे। तब माइकल उन्हें बताता है कि उसने बेसमेंट में दो बसेस देखी थी और वो उसमें बैठकर यहाँ से भाग सकते हैं। तब एक सर्वाइवर मजाक में कहता है कि उसके बाद वो उसकी बॉर्ड में जाएंगे और वहाँ से वो भाग जाएंगे। तब ना चाहते हुए भी सब लोगों को इस रिस्की प्लान पर एग्री होना पड़ता है, और वो डिसाइड करते हैं कि बोर्ड से जाने के बाद वो एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर कोई भी आबादी नहीं होगी। वो लोग उस जगह पर अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरा इंतजाम करते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं। केनेथ सामने वाले सर्वाइवर को बताने जाता है कि सिर्फ 5 दिन रह गए, और वो सर्वाइवर कहता है कि वो भूखा है, और उसकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि 5 दिन तक बगैर खाए पिए वो जिंदा रहे। वो उस डॉग के ऊपर खाने का सामान और एक वॉकी टॉकी रखकर रस्सी के जरिए उसे नीचे उतार देता, और वो सामने वाला सर्वाइवर विसल बजाकर उस डॉग को अपनी तरफ बुला लेता और एक छोटे से दरवाजे से उसे अंदर ले लेता। लेकिन उसके साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी उस दरवाजे के जरिए अंदर चले जाते हैं। वो वॉकी टॉकी के जरिए उस सर्वाइवर से कॉन्टेक्ट करते हैं, जिस पर उन्हें पता चलता है कि उसे भी उन ज़ॉम्बीज ने काट लिया। फिर तभी उन्हें ट्रक की आवाज आती है, और उस ट्रक में निकोल होती है जो सामने वाले सर्वाइवर की दुकान पर जाती है उस डॉग को बचाने के लिए। उन लोगों को वही सर्वाइवर नजर आता जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था, और वो निकोल को वहाँ से निकलने का कहते हैं और ये कहते हैं कि वो वहाँ पर छुप जाए। तब वो लोग गटर के जरिए उसे बचाने के लिए जाने का प्लान बनाते हैं, और एक सर्वाइवर को डोर पर खड़े होने का कहते हैं ताकि जब वो वापस आए तो दरवाजा खुला हो। गटर के जरिए वो सब लोग दुकान के बाहर तक आ जाते हैं, लेकिन जब लास्ट वाला सर्वाइवर आने लगता है तब गटर के ढक्कन की आवाज से वो ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और वो लोग ज़ॉम्बीज का मुकाबला करके उन्हें मार कर उस शॉप के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पर उन्हें वही सर्वाइवर मिलता है जो शॉप का ऑनर था, और वो अब ज़ॉम्बी बन गया था, और केनेथ उसे सॉरी कहते हुए शूट कर देता। फिर वो निकोल को देखते हैं कि वो बिल्कुल सही सलामत। फिर वो लोग वहाँ से अपने लिए बहुत सारे हथियार इकट्ठा करते हैं, और तब सीजे एक प्लान बनाता है।
वो एक गैस सिलेंडर बाहर फेंकता है और उस सिलेंडर को शूट कर देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और वो सब गटर की तरफ भागते हैं। सबसे आखिर में सीजे रह जाता है और फिर वो भी गटर में आ जाता है और सबसे आखिर में एक सर्वाइवर बचता है और ज़ॉम्बीज से बचने की वजह से वो गटर में जा गिरता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। सीजे उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता और वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वो सब लोग किसी तरह दरवाजे पर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर वो सर्वाइवर नहीं है जिसे वो छोड़कर गए थे और दरवाजा भी लॉक्ड है। और तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं जो तादाद में काफी ज्यादा थी और अब वो समझ गए थे कि उनकी मौत उनके सामने। तभी ऐना आकर वहाँ पर दरवाजा खोल देती है और वो सब लिफ्ट की तरफ भागते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं और फिर वो लोग जल्दी से बसेस में बैठकर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। बाहर लाखों की तादाद में ज़ॉम्बीज थे जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते। वो लोग उन ज़ॉम्बीज के बीच में फंस चुके थे। ज़ॉम्बीज उनकी बसेस को पलटने लगते हैं और वो उन्हें मारने लगते हैं गोलियों से और चेन्सों से। तभी सीजे एक गैस सिलेंडर जलाकर ज़ॉम्बीज की तरफ फेंकता है और मौका मिलने पर बिल्कुल ठीक वक्त पर वो उस सिलेंडर को शूट कर देता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से काफी ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और उनका रास्ता साफ हो जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कैनन देखता है कि उनकी बस के पीछे एक ज़ॉम्बी लटका हुआ है। तब एक सर्वाइवर उसे मारने के लिए चेन्सो को स्टार्ट करता है। अब मोड़ आ गया था और कैनन को बस को मोड़ना था, जिसकी वजह से उस सर्वाइवर का बैलेंस खराब हो जाता है और वो सीधा जाकर एक फीमेल सर्वाइवर के ऊपर गिरता है और चेन्सो की वजह से वो कट जाती है और वो आदमी खुद भी कट जाता है और उनकी बस भी पलट जाती है। तब सीजे देखता है कि दूसरी बस पीछे नहीं है और वो अपनी बस को पीछे की तरफ लाते हैं। अब वो सर्वाइवर जो कि सेल्फिश था बगैर किसी की हेल्प के बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर अकेला वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। एक ज़ॉम्बी उस पर झपट कर उसे मार डालता है। वो लोग दूसरी बस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब ऐना जाने लगती है तब वो ही सेल्फिश सर्वाइवर जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था और ऐना उसे मार डालती है। गोली की आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज भी वहाँ पर आ जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर ऐना उसकी पॉकेट से बोट की चाबी ले लेती है और बाकी सर्वाइवर्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं। चाबी लेकर वो बस की तरफ भागती है और सारे ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे ही थे। माइकल किसी तरह उसे बचाकर बस के अंदर खींच लेता है और सीजे दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो लोग बोट के पास पहुंच जाते हैं। सब लोग उतरकर बोट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सबसे आखिर में सीजे रह जाता जो कि वहीं फंस जाता है और वो उन सबकी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज को कवर करता है। लेकिन थोड़ी ही देर में सारे ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और वो उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करता है। उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता तो वो एक गैस सिलेंडर को शूट करके उन ज़ॉम्बीज के साथ खुद भी मर जाता है। वो सब लोग बोट पर चढ़ जाते हैं लेकिन माइकल उनके साथ नहीं जाता और अफसोस की बात ये है कि उसको भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो बोट के जरिए उन सबको वहाँ से भेज देता और उन लोगों को जाते हुए वहाँ से देखता। ऐना इस सबसे खुश नहीं होती क्योंकि वो उसे वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहती थी, वो उसकी हेल्प करना चाहती क्योंकि उन लोगों के जान बचाने की वजह से ही माइकल को अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करना पड़ा। ऐना बहुत ज्यादा दुखी होती। जैसे उनकी बोट थोड़ी दूर जाती है माइकल खुद को शूट करके मार डालता और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।